मेरा एक सपना था कि मुझे एक कैमरा खरीदना, वो कैमरा मैंने आज परचेज कर लिया। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं कैनन का कैमरा जिसका नाम है कैनन 200D Mark II। ठीक है, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मुझे कैमरा परचेज करना था। आज से 3 से 4 साल पहले जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था मैं एक खुद का कैमरा परचेज करूंगा, तो वो मैंने कैमरा अभी परचेज किया है अमेजोन से, ये आप देख सकते हो। और अभी मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाने वाला हूँ। और वैसे अनबॉक्स तो हमने इसको पहले से कर दिया, बट फिर भी मैं आपको इसका अंदर से अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाने वाला हूँ, इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है और अनबॉक्स करेंगे और परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक जो देखेगा, यार ड्रीम कैमरा बड़ा मुश्किल से परचेज किया क्योंकि काफी टाइम से वेट कर रहे थे और आखिरकार अभी हमने परचेज किया है। ठीक है, और एक बार वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैं इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार इस कैमरे की परफॉर्मेंस कैसी है और कैसा कैमरा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो ये है हमारा पैकेट और ये सील पैक आता है, ये हमने खुद अनबॉक्स किया है। ठीक है, और इसके ऊपर भी लिखा होता है कि अगर ये बाहर से फटा हुआ है या इसके ऊपर टेप लगी हुई है तो आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करना। तो ऐसा ही है, ये सील पैक था बिल्कुल ही। ठीक है, और ये हमने अनबॉक्स कर लिया था क्योंकि बड़ी आइटम थी तो कुरियर बॉय के सामने अनबॉक्स किया और वीडियो बनाया था। ठीक है, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखिए इसके अंदर यहाँ पर कुछ इस तरीके था और अनबॉक्स भी था बाहर, और इसके अंदर हमारा कैमरा आता है। ठीक है, और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए कैमरा। और जब भी कैमरा खरीदो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सील लगी हुई थी और ये सील मैंने खुद से ब्रेक की है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखना, सील ओपन की थी हमने यहाँ पे खुद से और यहाँ से फिर ये इस तरीके से ओपन होता है और मैंने ओपन करने का तुरंत पैक कर दिया था ये ऐसे जैसा आया था। और इसमें कुछ मेन्यूज आते हैं, कई लैंग्वेज में होता है ये, चाइना में और कहीं, और ये वारंटी कार्ड वगैरह आता है और कुछ मैनुअल वगैरह आते हैं टोटल। ठीक है, और इसको मैं साइड कर देता, और इसको हटाने के बाद यहाँ पे हमारा अंदर कैमरा रहता है। कैमरे से पहले मैं कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैटरी होती है इसकी जिससे ये चलेगा, और ये इसकी केबल होती है अडाप्टर को जो चार्ज करती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये अडाप्टर है इसका जिसके अंदर हम बैटरी को लगा सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं। ये अडाप्टर लगाना पड़ेगा उसके बाद, और ये एक इसके साथ फटा आता है जो इसके अंदर डलेगा, ये भी हम दिखाएंगे आपको कैसे डाल सकते हैं आप लोग। और इसके साथ साथ ये आता है हमारा मेन आइटम जिसको कैमरा कहते हैं हम लोग, और आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे दिखा सकता हूँ फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक है इसका, और यहाँ पे मेंशन है कैनन 200D, और यहाँ पे कैनन की ब्रांडिंग है। और अगर इस साइड में आते हैं तो यहाँ पे हमें एक HDMI केबल का लगाने का ऑप्शन आता है, और इसको हम यहाँ से नीचे से इस तरीके से खोल भी सकते हैं। यहाँ पर HDMI केबल और टाइप बी यहाँ पे लगता है जिससे आप अपनी वीडियो को कंप्यूटर वगैरह में ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे इसके बटन है जिनसे आप फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो, रिकॉर्डिंग के लिए ये बटन है अलग से, और भी काफ़ी यहाँ पे बटन है, अभी मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और ये फ्लैश के लिए है, ये आप देख सकते हो, और यहाँ पे मेन्यू बटन है इस साइड और इन्फो, और ये डिस्प्ले है। डिस्प्ले जो चीज़ है काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, देख सकते हो आप इस तरीके से ओपन होती है, और डिस्प्ले की क्वालिटी देख सकते हो आप, और ये रोटेट होती है, आप इसको इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हो जैसे कि हम कैमरे से इस साइड से वीडियो शूट कर रहे हैं तो सामने देख सकते हैं, और इसको घुमा भी सकते हैं इस तरीके से बैक हैंड साइड पे बिल्कुल ही, और ताकि इस तरीके से अगर हमें वीडियो शूट करनी है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी है। और बिल्कुल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम इसको अपने ट्राइपॉड में लगा सकते हैं, और ट्राइपॉड में लगा के हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। और इसी के बाद अगर देखा जाए तो नीचे यहाँ पे हमें इसको इस साइड करना है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर ऊपर की साइड यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगता है, और यहाँ पर इसकी बैटरी डलती है जो कि हमें इसके साथ मिलती है। ठीक है, और उसको लगाने के बाद इसको इस तरीके से लगा देना है, और यहाँ से हम इसके अंदर से भी देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आँख लगा के भी आप इसको देख सकते हो, और इसके ऊपर फ्लैश लगती है, और एक इसके साथ ही आप देख सकते हो फ्री में फ्लैश मिलती है, आप इसको भी अच्छे से यूज कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ इसके मोड दिए जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप जिनको यूज़ कर सकते हो, और अभी हम इसको जब यूज़ करेंगे तब आपको बताएंगे। और यहाँ पे भी दिखा, यहाँ पे भी कई तरह के मोड हैं, ऑन ऑफ यहाँ पे देख सकते हो, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे IS डीप यहाँ पे भी हैं, कई तरीके की चीज़ें हैं ये, और यहाँ पे है कई तरीके की, आप देख सकते हो ये बटन है जिससे लेंस निकलता है लगता है। ठीक है, और ये एक्सेसरी है इसके साथ, और ये फीचर है, अभी फीचर आपको कंप्लीट नहीं पता चलेंगे
क्योंकि इसके लिए हमें भी थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि हमें भी इसकी थोड़ी नॉलेज नहीं है। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको जिसके साथ लेंस आया है, और यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है ये लेंस, और ये लेंस लगेगा कैसे लगाते हैं दिखा देते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे लेंस होता है, इसको आप इस तरीके से करके खोल सकते हो, लेकिन आप इसको एक काम कीजिएगा, सबसे पहले इस साइड से खोलिएगा और लगता कैसे ये मुझे थोड़ा इसका एक्सपीरियंस है फिर भी। और यहाँ से हमने इसको आगे से खोल लिया है, और इसको ज़्यादा देर तक कभी भी खुला ना रखें, और धूल मिट्टी से भी बचाएं। ठीक है, और इसको भी खोल लिया मैंने एक साइड से, और यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हाँ इसमें यहाँ पे वाइट डॉट को वाइट डॉट के साथ मैच करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखा आपने कैमरे में वाइट डॉट लगी हुई है, और यहाँ पे वाइट डॉट है, इनको मैच करने के बाद ही लगता है ये कैमरा। ये देखिए टक की आवाज़ बोल दिया इसने, और ये हमारा कैमरा हो चुका है रेडी। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम इसमें से देख सकते हैं, लेकिन अब भी अगर बात करें तो इसमें हमें बैटरी डालनी पड़ेगी। बैटरी अभी इसकी लो है, जिसको हमें चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ जो पटा आता है ये देखिए, इसको कैरी करने के लिए ये कुछ इस तरीके का होता है, इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, इसको हमें इसके अंदर डालना पड़ेगा। चलिए हम इसको आराम से डालते हैं। और अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक कैमरा खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको अभी आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अभी हमने इस कैमरा को अनबॉक्स किया है, लेकिन अभी इसको हमें यूज़ करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि अभी हमें खुद एक्सपीरियंस नहीं है कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, और हमें इसका एक्सपीरियंस अभी बिल्कुल बहुत कम है कि हमें इससे फ़ोटो क्लिक कैसे करनी है, वीडियो कैसे बनानी है, और क्वालिटी में कैसे बनानी है। सभी मोड को यूज़ करके देखेंगे और कैसी वीडियो बनाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, अभी कुछ दिन यूज करने के बाद। ठीक है, तो ये था हमारा अनबॉक्सिंग वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस। तो गाइस अभी आप लोगों ने अनबॉक्सिंग का वीडियो देख ही लिया है, और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज दे देना चाहता हूँ कि जब मैंने अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट किया था आज से 3 से 4 साल पहले, तो मेरे सपना था कि मुझे कैमरा खरीदना है, बट उस समय मेरे पास एक फोन था, उसी से मैं वीडियो शूट करता था और उसी से एडिट करता था और उसी से अपलोड करता था। लेकिन आज की डेट में मेरे पास कैमरा है, बट ऐसा नहीं है कि भैया आपके पास पैसा नहीं है और आप अपना एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हो, और आप फर्स्ट डे से ही सोच रहे हो कि पहले मेरे पास एक कैमरा होना चाहिए, एक पीसी होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए और एक अच्छा सेटअप होना चाहिए, तभी मैं सक्सेस कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, उसकी कीमत भले 4,000 हो, 5,000 हो, 50,000 हो, वो मायने नहीं रखती। आप उसी से वीडियो शूट कीजिए, उसी से एडिट कीजिए और उसी से अपलोड कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप उस पे लगे रहोगे अपने काम पर, और धीरे धीरे आपको ग्रो मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहता कि आप फर्स्ट डे आपने YouTube चैनल स्टार्ट किया पहले दिन से ही आपको भाई माइक भी चाहिए या फिर कैमरा चाहिए, सब सेटअप चाहिए, ऐसा नहीं होता। अभी मुझे 4 साल बाद मैंने कैमरा खरीदा, जबकि मेरे चैनल पे अभी अराउंड 31,000 सब्सक्राइबर है, और मेरे एक चैनल नहीं, मेरे 2-3 YouTube पे चैनल है और उनपे भी मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब आपकी YouTube से अर्निंग स्टार्ट होने लग जाए और YouTube से पैसा आने लग जाए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए इन चीज़ों पे। ऐसा नहीं कि आपने YouTube चैनल बनाया और उसी दिन बोलने लगे कि मुझे माइक खरीदना है 1,000 रुपये का, 50,000 रुपये का कैमरा खरीदना है, और उसके बाद बोलोगे कि 1,00,000 रुपये का गेमिंग पीसी खरीदना है और 2,00,000 रुपये का एक सेटअप तैयार करना है। ऐसा नहीं होता, बट आपके पास जो चीज़ है आप उसी से आगे बढ़ सकते हो और एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो, मैं यही बोलना चाहूँगा। ये कैमरा मैंने इसीलिए खरीदा कि थोड़ा सा क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो जाए, लेकिन जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था उस समय मेरे पास 5,000 का फोन था, 4 साल पहले। लेकिन अभी फोन भी महंगा है, लेकिन कैमरा भी मैंने इसीलिए खरीदा है क्योंकि YouTube से अर्निंग हो रही है, तभी मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।